Hey everyone, welcome back to our another one-on-one live session. Hi, I'm Sakhi Chaudhary from Team Shakti. जैसा कि आप सब जानते हैं, Shakti is an initiative to spread positivity through videos, live sessions and quotes. So आज के हमारे इस live session के special guest है जयश्री डागा. She is a specialized speaker, lecturer and a therapist. Today she will be here with us to share her journey, experiences and spread positivity. So let's welcome our guest, Jayashree Daga. Hello. Hi, Jayashree ma'am. How are you? Hi, I'm fine. Thank you. Ma'am, firstly, thank you so much for accepting our invitation and coming to our platform. It's really our pleasure to have you. And, you know, I have, जैसे मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में जाना, कि you are a therapist and, you know, आप NGOs में भी काम करती हैं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं. So it's really our pleasure कि आप हमारे platform में आई. Thank you so much, ma'am. It's my pleasure. So, good evening, everyone. जैसा आप जानती हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म शक्ति है इज अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, तो व्हाई डोंट यू शेयर वन ऑफ योर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस विद आवर ऑडियंस? वेल साक्षी, वन थिंग इज दैट कि इट्स बिफोर शेयरिंग द एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू से कि मेरा जो लाइफ का चेंज टर्निंग पॉइंट था वो कोई इंसिडेंट नहीं था, वो सिर्फ एक कोट था. एक कोट जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, जहां से मैंने सोचना शुरू किया कि नाउ आई नीड टू चेंज, आई नीड पूरा मेक ओवर फ्रॉम इन साइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड. हाँ, आउटसाइड तो हो ही जाता है, आसान है, इन साइड से चेंज होना बहुत मुश्किल है. तो वो कोट क्या था साक्षी, कि द डे आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ चेंज्ड. ये कोट मैंने पढ़ा. जैसा कि आप कहती हैं कि आप मोटिवेशनल कोट्स भेजती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इसी तरह के एक कोट ने मेरी जिंदगी बदली थी, जहां से मैंने बदलना शुरू किया था. तो जब मैंने ये कोट पढ़ा, उस वक्त मैं ऐसे लाइफ के फेज में थी जहां पर मुझे लगा कि अब कुछ भी नहीं है, मतलब एवरीथिंग आई एम लूजिंग, सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है, जीवन हाथ से छूटता जा रहा है, सब कुछ, आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई वॉज अबाउट टू लीव एंड नोबडी नोज दिस, आई वॉज अबाउट टू लीव एंड देन ऑल ऑफ अ सडन माई किड, माई सन सेड, मम्मा कहाँ जा रहे हो, और बस आई स्टॉप एंड देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, शायद ये सब कुछ डिस्टाइन था, और अगले ही दिन सुबह मैंने ये कोट पढ़ा, आप ही की तरह किसी ने भेजा होगा शायद, और इसने मेरी जिंदगी बदल दी. और मैंने ये कोट पढ़ा है ना, आई डिसाइडेड कि अब मुझे चेंज होना है, अब मुझे सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ अलग तरीके से करना है. और जिस दिन मैंने ये शुरू किया, आई स्टॉप, यू नो every time we keep on complaining, we are into grievances, कि हर टाइम हमारे पास सबके लिए कंप्लेन्स रहती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया. was also in that thing, but उस दिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ले ली, कि ये सब किसी और के कारण नहीं हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, एंड आई हैव टू फाइंड द रीजंस व्हाई इट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, रीजन क्या है. एंड द डे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एज यू नो कि आई एम अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर और मास्टर्स इन साइंस ऑफ लिविंग, तब मुझे लगा यार पढ़ा है तो अब उसको जीवन में उतारने का वक्त आ गया. जो किताबें में पढ़ा था उसे समझने का और उसे एक्सपीरियंस करने का, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने का, कि वाकई वो काम करता है कि नहीं, टाइम आ गया था. एंड आई वॉज फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माई सेल्फ उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, एंड इट वर्क वंडरफुली. So that was the thing. जैसा आपने मेंशन किया कि वो एक कोट जो आपको किसी ने भेजा था एंड वो आपने पढ़ के आपकी लाइफ में चेंज आया, वो आपको, वो उस वक्त आप जैसे उसके एक दिन पहले आप हिम्मत हार गई थी, उसने आपको सपोर्ट दिया वो कोट को, राइट? तो यही हमारा मानना है, कौन किसको कब इंस्पायर कर जाए, टच कर जाए, वी नेवर नो. एग्जैक्टली. यू नो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी अराउंड अस. हम लोग को वो एक छोटा रे ऑफ होप खोजना चाहिए, जैसे आपने उस कोट में खोजा. बिल्कुल. It's really, I'm really glad कि आपको कोट मिला, and you know, it really helped you to
पुल योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. यस एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ना कि आप जो कर रही हैं ऐसे ही किसी ने मुझे एक कोट भेजा और इट चेंज माई लाइफ. सो यू कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब. थैंक यू मैम. आप भी पता थैंक नहीं यू. कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है एंड इतनी छोटी मैम उम्र आई में. रियली लाइक बिलीव दैट. हाँ कि यू नो अगर मतलब जब हम लाइफ करते हैं, जब भी जितने भी जन हैं, जितने भी जन हम लोग का लाइफ देखते हैं, चाहे जो भी बात सुनते हैं, कौन कौन सा किस बात से कौन टच कर जाए, किसको टच हो जाए, एंड कौन सा वो सोच के अपने लाइफ में उनका चेंज आ जाए, वी नेवर नो. तो एग्जैक्टली यू नो ये अब यू नो हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ दे सकते हैं. वो जितना हो रहा है नहीं हो रहा है उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए. यू शुड फील गुड अबाउट वॉट वी आर डूइंग. वॉट यस वेन आई एम डूइंग दिस आई फील गुड. यू नो शायद मे बी आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग फ्रॉम यू नो जो मैं कर सकती हूँ उसके जितना मैं कर सकती हूँ उसमें से. कौन क्या हो रहा है वो मेरा चिंता लेने का नहीं. आई हैव टू डू बिल्कुल व्हाट आई फील यू नो कैन डू गुड फॉर मी एंड फॉर अदर. यू नो वी शुड ऑल डू दैट. राइट, वेरी ट्रू. तो ऐसा मैम ही. यू नो हाँ हाँ बोलिए क्या मैम. बोलिए साक्षी. मैम आपकी जर्नी क्या है. यू नो डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ स्पीकर और यू नो अ थेरेपिस्ट. नो 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 नेवर. मेरे लाइफ में कुछ एजेंडा ही नहीं था, कुछ भी एजेंडा नहीं था. आई वाज लाइक शादी से पहले आई प्रिपेयरिंग फॉर माय एमबीए. यू नो एमबीए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, एमबीए में सिलेक्शन भी हो गया था जहां मैं चाहती थी, जैसी स्ट्रीम में मैं चाहती थी. सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर कर लिए थे. और जब आप जो चाहते वो मिल जाता था, आप सोच सकते हैं ना आप कितने खुश हो. और उसी खुशी में मैंने भी फोन किया अपने पेरेंट्स को कि मॉम को कि मुझे सिलेक्शन मेरा हो गया है और अभी मुझे एडमिशन करना है. एंड देन माई मॉम वॉज साउंडिंग कि अच्छा हो गया है, ठीक है आ जाओ घर. शी वॉज सो कूल. तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है. और जब मैं घर गई तो शी सेड कि नहीं तुमको वहां नहीं जाना है और कोलकाता में रहकर यू कैन डू. आई सेड नहीं, वो उसकी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मुझे जब वहां एडमिशन मिला है तो फिर मैं यहाँ रहकर नहीं करना चाहती. एंड शी सेड नहीं वहां तो नहीं जाना है बिकॉज वहां मेस नहीं है. एंड द रीजन, बेसिक रीजन वाज, नाउ शी सेज कि अगर तुम इतना पढ़ लेती तो आगे लड़का देखने में प्रॉब्लम होता. जो मारवाड़ी सोच होती है वही. तो वो था, आई टुक इट लाइटली. ठीक है आपको नहीं जम रहा है तो मैं घर में रहती हूँ, मैं मुझे नहीं करना है यहाँ से, कोलकाता से नहीं करना है. मुझे करना है तो उसी इंस्टीट्यूट से करना है जो बेस्ट है, और जब मुझे ऑप्शन मिला है तो मैं क्यों नहीं. तो मैंने वो ऑप्शन छोड़ दिया और मैंने ऑफिस ज्वाइन कर ली. 2 साल आई वॉज वर्किंग एंड देन शादी हो गई और घर परिवार. वहां से भी मुझे ऑप्शन मिला था कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट आई प्रिफर्ड कि फैमिली है तो पहले उसकी, नई फैमिली में आए हैं तो पहले पहले इनको समझें, परिवार को समझें. थिंग्स वर गोइंग ऑन. देन माई फादर इन लॉ अचानक से बोले कि यू शुड डू मास्टर्स इन साइंस ऑफ लिविंग. और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट से आते थे और मेरी पढ़ने की बहुत ज्यादा हॉबी, शौक है मुझे पढ़ने का, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना. तो मैंने कहा ठीक है, इन्होंने बोला है तो ज्वाइन कर लेते हैं. पहले मेरी मॉम ने भी कहा था, आई रिजेक्टेड दैट. हाँ मैंने कहा मुझे नहीं करना ये सब, बट नाउ फादर इन लॉ सेड, तो मैंने कर लिया. और इतनी प्लानिंग थी, मतलब हालांकि हमारी प्लानिंग कुछ चलती नहीं है अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं है, तो प्लानिंग ऐसी थी कि 2 साल में मुझे ये कंप्लीट करना है और उसके बाद देखेंगे क्या होता है. तो मैंने 2 साल में कंप्लीट किया. तब सेकेंड ईयर जब मेरा था मास्टर्स का साइंस ऑफ लिविंग के साथ, तो आई वॉज 4th मंथ प्रेगनेंट. एग्जाम देने गई तो शायद 6 मंथ प्रेगनेंट थी. देन आई वॉज प्लानिंग, मेरी प्लानिंग देखो, मुझे हंसी आती है अपनी इस प्लानिंग पर कि अभी तो एग्जाम हो गया, अब इनको बड़ा करते हैं और उसके बाद वापस से इस पे कंटिन्यू करेंगे. दिस वॉज माई प्लानिंग. हाँ बट देन सीरियसली कुछ भी नहीं सोचा था. ऑप्शंस आते गए, आई केप्ट ऑन वर्किंग विद इट. फिर मेरा बेटी जब हुआ, सेकेंड इश्यू जब मेरी बेटी है वो हुई, उसके उस समय मैं इधर अकेले रहने लग गई थी. तो मेरा बेटा बड़ा अकेलापन फील करता था बहुत ज्यादा. तो मैंने फिर सोचा कि इसके लिए मैं क्या करूं. सो आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस, जो थोड़े लो प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया ताकि मेरे बच्चे को भी कंपनी मिले, उन बच्चों की लाइफ में भी थोड़ा चेंज आए. और वो सब कुछ चलता रहा. इसके साथ मैंने साइंस ऑफ लिविंग के स्टूडेंट्स को मास्टर्स में पढ़ाना शुरू किया. फाइनल ईयर को, जिसमें मैंने मास्टर्स किया था, वहां पर पढ़ाना शुरू कर दिया. वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है कलकत्ता में,
उनका एक एक महीने का हर साल, तो उनको 1 महीने की मैं क्लासेस देती थी तब से। देते देते एक दिन ऐसा आया, एक मतलब यहाँ पर भी मेरी मेमोरी और लर्निंग टेक्निक की क्लासेस चलती थी। मैं वर्कशॉप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया था मैंने, कभी कभार, नॉट रेगुलरली। बट देन एक स्टूडेंट वहां पर ऐसे आए जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपको हमारे शहर में आकर वर्कशॉप करना है। एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द चैलेंजेस, फॉर द अपॉर्चुनिटीज, यानी मतलब दैट वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि बच्चा छोटा था, बेटी मेरी छोटी थी, बेटी को संभालने वाला कोई नहीं था। बट देन माई मदर एंड माई हस्बैंड फैमिली सबने सपोर्ट किया, बोले कि हम रखेंगे, तुम जाओ। एंड फिर मैं वहां गई, पहली बार मैं कोलकाता से बाहर मैंने कोई वर्कशॉप किया था। एंड आई एम थैंकफुल टू दैट लेडी सुधा जी तातेर। उसके बाद कभी भी लुक बैक नहीं हुआ, और आगे से आगे अपने आप ऑप्शंस मिलते गए, एंड आई ग्रैब्ड इट एंड आई डिड इट। आई डोंट नो व्हाट आई एम लाइक, आई वाज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, आई वाज नॉट लुकिंग। अभी कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि शी इज करियर ओरिएंटेड और व्हाट, बट एग्जैक्टली आई एम नॉट। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा फैमिली रहती है फैमिली जी, उसके बाद मेरे जो ये 3-4 घंटे होते हैं ना, जो हर लेडी को मिलते हैं दोपहर का टाइम, जब वो हम या तो सीरियल देखते हैं या हम सोशल मीडिया में होते हैं या हम सोते हैं, इन 3-4 घंटों को मैंने हमेशा यूज किया। ये 3-4 घंटे ही मेरी इस पूरी लाइफ का ये जो जर्नी है, ये 3-4 घंटों की ही ये जर्नी है। सो इनको अगर हम अच्छे से यूज करें तो वी कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन आर लाइफ एटलीस्ट, और शायद दूसरों की या भी। ट्रू मैम, क्योंकि आज जब मैं बच्चों के साथ मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, समर वेकेशंस में जब कैंप्स होते हैं तो मुझे इनवाइट किया जाता है वहां पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ मैं उनके मॉरल वैल्यूज पर काम करूँ, उनकी इमोशनल वैल्यूज पर को गाइड करती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और वो बहुत अच्छा लगता है जब मैं बेटियों के साथ काम करती हूँ, और एक मैंने ऐसा लगता है कई बार कि जब वो बोलती है ना कि मैम वी वॉन्ट टू बी लाइक यू, तब लगता है कि यार समवेयर समथिंग आई डिड, कुछ तो किया हुआ है। सो इतनी अच्छी फीलिंग आती है उस वक्त। ये 3-4 घंटे मुझे इतना कुछ देते हैं, इतना प्यार, इतना कुछ दिया इन्होंने कि मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, समाज का, आप सबका, जिनके कारण मुझे इतना प्यार मिला। तो वी कैन डू, एवरी वुमेन हैज दीज 3 to 4 आवर्स, यू नो, सब हर एक के पास ये 3-4 घंटे होते हैं। हाउ वी यूटिलाइज दिस, हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर सारा गेम होता है। सो वी कैन मेक इट और वी तो कैन जैसे ब्रेक इट। आपने या हाँ जैसे आपने कहा कि ना आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था, राइट बट जैसे जैसे आप अपॉर्चुनिटीज आते रहे, आपने ग्रैब किया, एंड यू नो आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन के कारण आप यहाँ हैं जहाँ आप हैं। जी तो ये ऐसा ही होता है, यू नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि जो आप सोचते हैं हमेशा वो वैसे ही प्लान आउट होता है, बट जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हमेशा ग्रैब करना चाहिए, एंड अपना अपने अंदर हिम्मत रखना चाहिए और विल पावर होना चाहिए कि आपको कुछ बनना है तो यू विल अचीव वॉट यू वॉन्ट। एंड एग्जैक्टली जो आपने कर है यू नो इवन बीइंग अ हाउसवाइफ एंड पुराने जमाने में, मतलब पहले के जनरेशन में, जैसे आपने आपकी मॉम ने भी आपको मना किया पढ़ने के लिए, तो ये सब चैलेंजेस फेस करते हुए भी यू नो स्टिल आपने गिव अप नहीं किया ना, आप यहाँ तक पहुंची हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी मैम। यू नो यही लोगों को इंस्पायर करती है कि यू नो वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स ऑन आवर सेल्फ, जो आपने नहीं किया। जी। साक्षी एक और बात बताऊं मैं आपको कि ना, जब मैंने मेरी मॉम ने मुझे ये कहा ना, आज मेरी मॉम कहती है कि अच्छा हुआ जो मेरी मॉम ने ये कहा कि उस वक्त मुझे गिल्ट होता था कि मैंने अपनी बेटी को आगे बढ़ने से रोक दिया, बट मुझे कभी भी नहीं हुआ। बट आज जब वो मुझे देखती है ना, तो शी सेज कि कैसे भी करो, जिसके अंदर काबिलियत होती है ना, वो कहीं ना कहीं से चली जाती है आगे। आज मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने तुम्हें वहां रोका था। शी इज डूइंग वंडरफुल, यू नो, शी इज हैप्पी। और एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे लगा कि आई वॉज अबाउट टू बैकअप, मतलब मैं फिर से बैक करने की सोच रही थी कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं करना। बीइंग अ वुमेन, आप एक इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में घूम रहे हो अकेले, डिफरेंट मेल मेंबर्स से आपके अलग अलग तरीके के लोगों से बात हो रही है, कर रहे हो, सब तरह के लोग आपको मिलते हैं, सब तरह के कमेंट्स भी आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है एवरी टाइम इट इज गुड 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 गुड, राइट? तो एक टाइम ऐसा आया व्हेन आई सेड कि नहीं मुझे नहीं करना है, घर में ही ठीक हूँ। दैट मोमेंट माई मॉम एंड माई फादर इन लॉ सपोर्टेड मी कि नहीं तुमको करना कैसे नहीं, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड यू हैव टू डू दैट। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था। फैमिली का सपोर्ट होना ना आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी होता है, बहुत जरूरी। और जब वो साथ होते हैं ना,
आपको दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किस किस का सोचोगे, व्हेन योर फैमिली इज विद यू, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, यू आर कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। एंड दैट इज वेरी ट्रू। जब आप सच्चाई की अपनी एक ताकत होती है, यू नो, और मैंने लोगों की परवाह तो कभी की नहीं, आई स्वेयर मैंने लोगों की परवाह कभी नहीं की, डर लेकर मैं पैदा हुई नहीं। जिंदगी के दो नियम, एक एक मेरा एक सेशन था जहाँ पे मैंने जीवन के खेल करके सेशन था, वहां पे मैंने बात की थी इस जीवन के इस लॉज ऑफ नेचर, जीवन के कुछ नियम होते हैं। साक्षी, परिस्थिति हर किसी के पास है, हर एक के जीवन में एक स्टोरी है, राइट? हर एक के पास कुछ ना कुछ है सुनाने को, बताने को, कहने को, लेकिन स्टोरीज किसकी बनती है, स्टोरीज किसकी बनती है, आप बताओ। मैं दो लाइन में अगर बोलूं तो वो ये है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो जिनके इम्तिहान जबरदस्त होते हैं और वो उनको क्लियर करते हैं ना, उन्हीं के साथ नसीब भी होता है और उन्हीं की जिंदगी जबरदस्त भी होती है। आप इतिहास उठाकर देख लो, झांसी की रानी ले लो, महावीर ले लो, गौतम बुद्ध ले लो, जितने रामायण में राम को ले लो, जितने बड़े आदमी उतने ही बड़े बड़े इम्तिहान। तो उनसे क्या डरना, जीवन है तो परिस्थितियां आएगी, राइट? तो परिस्थितियां आएगी, पर हर परिस्थिति हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। कुछ भी आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन लो, शादी है ऑप्शन है, खाना खाना है ऑप्शन है, पानी पीनी है ऑप्शन है हमारे पास ना। अब वो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं ना, उसी के ऊपर हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, वो मैटर करता है। लाइफ में परिस्थितियां आना हमारे कर्मों के कारण, हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण, हम जो जिस भी परिस्थिति में आज हैं उसके कारण है, पर उस परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करते हैं ये हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो उस समय हमें बहुत केयरफुल्ली और कॉन्शियसली अगर हम उन चीजों को हैंडल करें तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है, ब्राइट है, मतलब हम अच्छा एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। पास्ट तो हमारा कंट्रोल में नहीं, वो कोड, या जी हाँ जी, हाँ, जैसा आपने वो कोड बोला था, राइट, कि हम अपने क्या एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल है, हम ही अपना जिंदगी के क्या था ना, जिंदगी जिनके रिस्पॉन्सिबल है, राइट, हाँ, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें अपनी लाइफ में कैसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। और सिचुएशंस आपके साथ तब होती है, फेवरेबल तब होती है जब आप एक स्टेप उठाते हो। आपको आश्चर्य होगा साक्षी, एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड कैसे बदला। आप सोचो कि एक लाइफ में आपको अगर कुछ करना है, राइट, आपको कुछ चाहिए, कुछ भी वेश, कोई भी आपकी वेश, आपका फेवरेट हीरो कौन है साक्षी? ऋतिक अगर यहाँ आए कोलकाता में तो आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, राइट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपको पता चल जाए यहाँ ऋतिक है और वो इस समय यहाँ पर जाएंगे तो आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे जरूर। बट मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा अलग है, मुझे जो चीज चाहिए ना मैं उसके पीछे नहीं जाती, वो चीज चल के मेरे पास आती है। यू विल बी सरप्राइज, ऐसे मेरे एग्जाम्पल्स लाइफ में बहुत हुए हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हुए। और एक और बात बताऊं, आज जो हम अपना हम जो लाइव कर रहे हैं ना, ये भी एक सिचुएशन ही है समझो, क्योंकि कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि आई वॉन्ट, राइट, एक ऐसा, और मेरे पास ऑप्शंस आए थे एंड देन यू केम, आई सेड ओके फाइन, ये एक ऑप्शन मिला है जहां पर मैं वुमेन्स के लिए उनके साथ बात कर सकती हूँ, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, सही, एंड सी यू वर देयर। सो थिंग्स हैपन टू मी, चीजें मेरे पास आती है, ये एक एटीट्यूड है, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू कैन से, एंड आई वर्कड ऑन दैट एंड इट्स वर्क्स वंडरफुली। चाहते हैं आप जो चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली चाहते हैं उस चीज को ना, तो एक्चुअली आप उस पावर को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। एक्जैक्टली ट्रू है, मतलब एक मूवी भी, बॉलीवुड की एक मूवी भी है इसके ऊपर, इफ यू रिमेम्बर, ओम शांति ओम, ओम शांति, हाँ जी, उसके ऊपर उसमें एक डायलॉग है जो साइकोलॉजी में, ये एक नियम है, साइकोलॉजिकल का नियम है, थ्योरी है, उसके बेस पर ये पूरी मूवी बनी है।
शिद्दत से अगर चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी कायनात राइट उसे मिलाने में इसे साजिश में मिलाने में लगता तुम्हारी है। साजिश लग जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। एंड मोर ओवर वॉट आई फील इज कि द डे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट जर्नी। मतलब खुद को बदलना, हम अक्सर कहते हैं ना कि हमने सुना है कि हम सब नॉट, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हम सब ना दूसरों को बदलने, मेरा बेटा ऐसा नहीं, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं, मेरी सास ऐसी नहीं, वो मेरे साथ ऐसे है, वो मेरे साथ ऐसे हैं। बट बिलीव मी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी, उसको बदलना है, हस्बैंड को थोड़ा चेंज करना है, उसको थोड़ा चेंज अपने अकॉर्डिंग करना है। बट द डे आई चेंज माई सेल्फ ना, वो बहुत ईजी जर्नी है, सब कुछ अपने आप बदल जाता है। हमें लगता है कि खुद को बदलना मुश्किल है, बट खुद को जब आप बदल लेते हो, खुद को बदलना सबसे आसान है, और जब खुद को बदल लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। दैट इज द थिंग विच वर्कड इन माई लाइफ, आई एम लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट, यू नो मेरी इस ऐसे आपने कहा, अगर हम लोग खुद को चेंज करेंगे और खुद पे वर्क करेंगे तो इवेंचुअली हम लोग अपने आप के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर देंगे, एंड वो रिफ्लेक्ट भी होगा बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपके साथ हुआ। बिल्कुल हाँ। और उसके लिए आप समझो कि मैम दो तीन बेसिक स्टेप्स हैं विच आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो। अगर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि क्या सच में पता है एसोसिएशन, जैसे जो बात मैंने अभी आपसे कही ना कि मेरे साथ चीजें मेरे पास आती है, जो मैं चाहती हूँ चीजें मेरे पास आती है, मैं नहीं जाती उसके पास, और कैसे आती है क्या आती है आई डोंट नो। ऐसे एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं। आप मेरा फेसबुक पेज देखोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एग्जाम्पल इवेंचुअली है, ये एग्जाम्पल ऐसा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, है ना। और मुझे भी नहीं पता, कोई सोर्स नहीं, कहीं कुछ नहीं, अचानक से कॉल आता है और लोग मुझे उस सेशन को करने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा इन्वाइट कैसे हुआ, कोई सोर्स था क्या। आई सेड आई मैं तो उनको जानती भी नहीं। सो बेसिक थिंग इज, और अक्सर लोग सेशन के बाद मुझसे ये पूछते हैं कि यार सच में ऐसा होता है क्या आपके साथ, हमारे साथ तो नहीं होता। और तो मैं उनको ना दो दो बातें शेयर करना चाहती हूँ उनके साथ, दो सीक्रेट है मेरे, सीख मेरे नहीं है, प्रकृति के नियम है। कि एक तो है ना, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो कोर्ट के बाद मैंने अपनी लाइफ पर काम करना शुरू किया कि वे कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ हो रही है, उसकी जिम्मेदारी ले ली कि हाँ भाई जितनी लाइफ में मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब मेरे कारण है, कोई और जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब मैंने ऐसा सोचा तो मैंने लोगों को ब्लेम करना छोड़ दिया, लोगों को कंप्लेन खत्म हो गई मेरी तुरंत, जैसे ही मैंने अपनी जिम्मेदारी ली तो ये सारे काम खत्म हो गए। लोगों को ब्लेम करना, लोगों को एक्सक्यूजेस देना, ब्लेम गेम खत्म हो गया, एक्सक्यूजेस देना खत्म हो गया, कंप्लेन खत्म हो गया, और ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो फिर आई स्टार्टेड फॉरगिविंग एवरीवन। लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए मन में दिमाग में थोड़ी सी रंजिश थी, थोड़ा सा कुछ गुस्सा था, किसी के लिए थोड़ा सा उदासी थी, किसी के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, नाराजगी थी। तो एक एक को लिया और एक एक को फॉरगिव कर रहे। तुम मेरी लाइफ में जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो तुम तो कहीं हो ही नहीं, फिर मैं क्यों तुमको लेके बैठी हुई हूँ, तुम्हारे लिए मेरे अंदर क्यों एनर्जी है, क्यों मैं अपनी एनर्जी औरों के नेगेटिविटी पर वेस्ट कर रही। फॉरगिव करना शुरू किया, और द मोमेंट आई फॉरगिव एवरीवन, ये सब मेरे अंदर ही चल रहा था, मैंने कभी किसी से बोला नहीं ये बात। मानो आपके साथ मेरा एक बैड एक्सपीरियंस है तो मेरा आपके मन में है, लेकिन मैंने आपको नहीं बोला कि मैंने आपको माफ किया, मेरे अंदर ये सारा माफी का कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि ग्रीवेंस भी तो हाँ अंदर ही है ना, आपको तो पता ही नहीं है, राइट। तो एक टाइम ऐसा आया जब सब कुछ जितने भी ग्रीवेंस थे खत्म हुए, तब मुझे लगा कि यार आई एम फीलिंग सो लाइट, सो हैप्पी, अब तो कुछ है ही नहीं, सब हैप्पीनेस 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 ही है। तो जब हैप्पीनेस आई देन अचानक से नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ गया, दैट वाज बीइंग ग्रेटफुल, दैट वाज बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वट एवर। मतलब अब ऐसी आदत है ना कि खाना भी जब खाते हैं ना तो भी मन में आता है कि थैंक यू गॉड, आज का दिन इतना अच्छा निकला, इतना अच्छा खाना दिया, इतना हेल्दी फूड दिया, इतनी अच्छी सोच दी कि इतना अच्छा खाना खा पा रही हूँ, और इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार, हर चीज के लिए थैंक यू जब निकलता है। यू नो वॉट यू फोकस ऑन, आप जिस पर अपनी एनर्जी फोकस करते हो भगवान आपको वही देता है, ही ऑलवेज सेज तथास्तु, है ना। आप हाँ फोकस करते हो बीमारियों पर, ही विल से तथास्तु, आप बीमारियां लेते जाओ। आप फोकस करोगे अपनी बीमारियों के सोल्यूशन पर, ही विल से तथास्तु, स्वास्थ्यता मिलती जाएगी तुमको।
सो मैंने फोकस करना शुरू किया और थैंक यू करना शुरू किया। थैंक यू किसको करते हैं? जब आपके लिए कोई अच्छा करता है उसके लिए थैंक यू करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि थैंक यू एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हाँ, मैं आपको थैंक यू किया तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी चीज को इनवाइट किया, आपने कुछ मेरे लिए अच्छा किया उसके लिए मैं थैंक यू कर रही हूँ, तो और अच्छी चीजें अपने आप आपके पास आती रहती। सो मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ, बीइंग ए थेरेपिस्ट मैं अक्सर सुनती हूँ कि भाई हमें ये बीमारी है, हमें ये तकलीफ है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कभी मैं अक्सर उनको बोलती हूँ, बीमारी है, आई है, ठीक है, ये पार्ट है आपकी लाइफ का। अब अगर आप इसके सोल्यूशन पर ध्यान देंगे ना, तब वो काम करना शुरू कर देगा। तो ज्यादा बेटर राइट? हाँ, है। हाँ सो फोकस ऑन योर सोल्यूशन कि भी मुझे ये बीमारी है, इसके हिसाब से मुझे ये काम करना है और रेगुलर रूटीन में करना है, बस भूल जाओ बीमारी को, ये वाला सोल्यूशन करना है बस, तो अपने आप वो काम करता है, इट वर्क्स वंडरफुल। मैम, या आपने जो वो दो चीजें बताई जो आपने अपने आप पे वर्क की है कि आपने सॉरी फॉरगिव करना स्टार्ट किया एंड देन बी ग्रेटफुल, या तो आपका वो जब आप फॉरगिव फॉरगिव करना स्टार्ट कर देते लोगों को एंड आपने कहा आप लाइट फील करना स्टार्ट कर देते, आप हैप्पी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जो हैप्पीनेस का जो ऑरा है ना वो एक्चुअली मेरे को फील हो रहा है आपका, कि आप इतना ज्यादा पॉजिटिव इंसान है, वो जो आपका वो जो ऑरा है ना वो यहाँ तक फील हो रहा है कि आप इतने बबली और इतनी पॉजिटिव पर्सन है। दैट्स रियली ग्रेट मैम। ये तभी होता है जब आप अंदर से सैटिस्फाइड होते हैं एंड जो आई फील कि बिल्कुल आप हैं, तो बिल्कुल। इट्स रियली ग्रेट मैम। और ये आप नहीं, मैम आप टचवुड, हर कोई ये कहता है। इनफैक्ट जब हम थेरेपी करते हैं ना, जैसा आपने सुना बोला कि थेरेपी, तो जब हम लाइव थेरेपी में जब करती हूँ स्ट्रेस्ड पीपल की, जो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको जब हम लाइव करते हैं तो वहां पर हमारी ये जो इंटेंशन है, हमारी ये जो एनर्जी है, ये जाती है एंड दे फील गुड। और हाँ मोस्ट ऑफ माई पेशेंट सेज, आप जब आते हो ना, भले ही मैं उनसे कोई सारा टाइम बैठ के मजाक नहीं करती, मैं उनके साथ थेरेपी ही करती, बट दिस इज, आपके आते ही ना अच्छा अच्छा लगता है, मन अच्छा हो जाता है, खुश होता है। दैट इज व्हाट एनर्जी इज ऑल अबाउट, कि आप जैसा सोचते हो वो लोगों तक पहले पहुंचता है, आपके बोलने से पहले। सो डेफिनेटली मैम, वही रिफ्लेक्ट करता है मेरे को, ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो लाइफ में तो डेफिनेटली सो स्वीट ऑफ यू, रिफ्लेक्ट करेगा। सो स्वीट ऑफ यू, इट्स ऑल अबाउट गॉड्स ग्रेस, गुरु की कृपा है और भगवान की दया है और आप जैसों का प्यार है बस। तो मैम, यू हैव बीन ऑनर्ड विथ सो मेनी अवार्ड्स रिसेंटली। यू हैव जी, बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड कीर्ति चक्र अवार्ड, तो आपका फर्स्ट अवार्ड कौन सा था एंड हाउ डिड यू फेल्ट व्हेन यू रिसीव दैट अवार्ड? एंड आपकी सारे अवार्ड्स के बारे में अगर आप अपने ऑडियंस को बताना चाहेगी कि आपकी जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको लोग इतना प्यार करते हैं, सो व्हाई डोंट यू शेयर अबाउट दैट? अगर पहला अवार्ड की बात करें तो मेरा पहला अवार्ड कॉलेज लाइफ में था, व्हेन आई वाज चोजन, आई वाज क्राउंड एज मिस कॉमर्स 2000। मिस कॉमर्स का अवार्ड मिला था मुझे, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। और उस साल मैंने कॉलेज में बहुत सारे कंपटीशन, इंटर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए थे एंड माय रूम वाज फुल ऑफ अवार्ड्स। अवार्ड डे के दिन हमें कलेक्टर मिस्टर बी डी कल्ला ने अवार्ड दिए थे वहां राजस्थान के, तो उन्होंने ना कहा कि ये तुम एक ही हो क्या, तुम यही साइड में ही खड़े हो जाओ, बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं। सो दैट वाज द डे व्हेन आई गॉट, और पहली पहली बार ही मैंने इतनी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, वेदर इट इज क्रिकेट, हाँ वेदर इट इज सैलेड, वेदर इट इज रंगोली, वेदर इट इज खाना बनाने का, मोनो एक्टिंग, सब चीजों में पार्टिसिपेट भले। और कभी पहले रंगोली के रंग भी नहीं पकड़े थे मैंने, एवरीथिंग हाँ कभी रंगोली के रंग भी नहीं पकड़े थे, और आप यकीन करोगे रंगोली कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन है, मैं वहां पहुंच गई, मेरे हाथ में रंग भी नहीं है। वी वर सेवन फ्रेंड्स, वी वर कॉल्ड सेवन स्टार्स इन कॉलेज में, और हम सबका, उन सबका अपना अपना एक फील्ड था, कोई पोएट, अच्छी पोएट थी, कोई अच्छी क्रिकेटर मैंने स्पोर्ट्स पर्सन थी, कोई कुछ था, मैं कुछ नहीं थी, आई वॉज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो मैं सब में पार्टिसिपेट कर लेती थी। अच्छा इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, वी सेवन, हम सातों ऐसे बैठ के डिसाइड कर रहे थे कॉलेज की तरफ से कौन जाएगा इसमें, कोई नहीं जा रहा है, मेरा नाम डाल दो, तो तुमको रंगोली आती है? हाँ हाँ आती है, चलो चलते हैं। हम वहां पहुंच गए, चार जन, तीन मेरी फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया था, चौथी मैं, मेरे पास, मुझे तो रंगोली के रंग कभी मैंने देखे ही नहीं, क्या करूंगी वहां जाकर, चलते ना चलते, चलो तुम्हारे रंग कहाँ है, तुम लोग लाए हो ना, हो जाएगा।
और लिटरली मैं वहां गई और सबको देख रही थी क्या कर रहे हैं सब सब। मेरी फ्रेंड्स हुए थोड़े थोड़े रंग लिए और मेरी ड्राइंग अच्छी थी शुरू से। मैंने दो ठो इतने बड़े से मोर बना दिए वहां पर और उनको देखा कि वो कैसे रंग डाल रहे हैं उसमें, और इमिडिएटली आई स्टार्टेड वर्किंग और उसमें मुझे प्राइज मिल गया, सेकेंड प्राइज, किसी में फर्स्ट प्राइज, किसी में कुछ। और उस समय जो वो प्राइज मिले ना, उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि आई कैन डू एनीथिंग। वो साल डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपने आप को थ्रो करना, फ्लोर कर लिया। और कभी हारने से डरी नहीं। मतलब मेरी जिंदगी में हार शब्द है ही नहीं, यही मैं औरों को भी बोलती हूँ, हार कुछ नहीं होता है, फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑल लर्निंग्स, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ड फेल। एफ मीन्स फर्स्ट, आई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग्स, पहली अटेम्प्ट है ये लर्निंग की। तो मेरे जीवन में हार शब्द से है ही नहीं। या तो आप गाइड करोगे, आप कोई काम करते हो नया तो या तो आप गाइड करोगे या कुछ सीखोगे कि ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, या ये काम ऐसे होता है। तो हार और जीत तो हम इंसानों ने बनाई हुई है, सफलता असफलता हार जीत ये सब शब्द नहीं है, प्रकृति में नहीं है, जीवन के नियम नहीं सिखाते। जीवन सिर्फ अनुभव देता है और वो अनुभव या तो आपका सीखना होता है या आप गाइड करते हो लोगों को, जैसा विवेकानंद जी ने कहा। और मेरी लाइफ की यही फिलॉसफी है, मैं सोचती ही नहीं कि मैं हार जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है जब मैं लोगों से ऐसे सुनते, नहीं 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 बाबा मुझे नहीं आता, मैं नहीं बोलूंगी स्टेज पे जाकर, लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। अगर पहला स्टेप आपको नहीं लोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, एंड यू वोंट बिलीव। भी नहीं पता वो रंगोली आता है, हाँ मुझे सच में आपने नहीं स्टेप पता, लिए मुझे तो तो ये भी नहीं पता आपको पता रंगोली चल गया आपको रंग क्या होते कैसे होते, मेरा पार्टिसिपेट किया, देखा आजू बाजू में कैसे किया है। अब कोई जरूरी थोड़ी ना, आप फर्स्ट स्टेप पे हो, मैंने तो सोचा ही नहीं मुझे प्राइज मिलेगा, चलो सीखा तो सही रंगोली होता क्या है, कैसा होता है, देखने में एक एक्सपीरियंस तो किया और मुझे प्राइज मिल गए। ड्राइंग अच्छी थी, आई वॉज एक्टिव, आई वॉज वेरी गुड इन ग्रैबिंग थिंग्स, देख कर सीखना हो गया, और नहीं भी मिलता था आई वॉज रेडी फॉर दैट, ओके इट्स ओके, चल सीखा है ना कुछ नया, बस फिनिश। यही दिस इज वॉट आई डू एंड दिस इज एटीट्यूड होना चाहिए। राइट। और अक्सर तो यही होता है ना कि खुद को लोगों की नजरों में आजमाना छोड़ दो, जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो, खत्म बात। राइट, ट्रू भाई। वेरी ट्रू। अभी जो रीसेंट आपको ये वाला अवार्ड कब मिला था? वर्ल्ड चक्र अवार्ड मुझे 2000, ये इसी साल मिला था, मई में। जी ये है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इनके बहुत सारे ट्रेनर्स थे, अलग अलग फील्ड के ट्रेनर्स थे, करीब करीब काफी 800 ट्रेनर्स इस ग्रुप में हैं। एंड आई ज्वाइंड इट करीब 6 महीने पहले ही, मतलब अवार्ड के 6 महीने पहले ही। एंड दे रिसर्च ऑन माई थिंग्स कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मेरे सारे डिटेल्स मांगे गए। एंड आई वाज सरप्राइज यार, वर्ल्ड में सबको, इतना बड़ा बड़े लोग थे वहां पर, और वहां पर मुझे भी अवार्ड मिल गया। इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, बट दे सेड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब मैं ब्रीदिंग पर बहुत ज्यादा काम करती, ब्रीदिंग पर, अल्टरनेट थेरेपी पर, जो लोगों की थेरेपी है, जहां मेडिकल साइंस, समझो आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, आप पार्किंसन के पेशेंट हैं, माइंड नर्व्स रिलेटेड इश्यूज के पेशेंट हैं, उनके साथ काम करती हूँ और रिजल्ट वंडरफुल मिलते हैं। लोग इन थेरेपीज पर विश्वास नहीं करते हैं, बट दे वर्क्स वंडरफुली। जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो आप समझो, मैंने कभी भी तो किसी को ऐड नहीं किया, आपने कहीं मेरा ऐड नहीं देखा होगा, बट वर्ड ऑफ माउथ से किसी एक को, आप ठीक होते हो ना तो आप दूसरों को बोलते हो, राइट। तो ऐसा ही होता रहा, और आज भी भगवान की दया है और अपना इंटेंशन क्लियर रहता है तो गुरु कृपा से सब कुछ अच्छा होते जाता है, होते हैं। हाँ होते जा रहा है, और पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड वेरी मच। फिर उसके बाद लास्ट ईयर वॉज अ वेरी गुड, आपने जब अवार्ड्स की बात की तो ऐसे, उसके बाद जो कॉलेज के अवार्ड्स मिले उसके बाद कंटिन्यू मिलते जाते हैं, बीच में एक ब्रेक आ गया था शादी के बाद से लेकर आप समझो 7 साल तक, जब तक मैंने घर में थी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। अगेन आई रीस्टार्टेड, और उसके बाद जो बहुत सारे अवार्ड मिले, पर जो मेरे लिए जो सबसे अच्छा या नोटिसेबल था वो था प्रेरणा अवार्ड, लास्ट ईयर जो मिला। क्यों अवार्ड वो स्पेशल था,
क्योंकि वहां पर ना कोलकाता की तीन लेडीज को उन्होंने सेलेक्ट किया था इस अवार्ड के लिए, और उन तीन लेडी में ओके आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एक लेडी कौन थी, कौन हो सकती है, मतलब यू कैन नॉट आई, मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि उनके साथ स्टेज पर बैठकर, मैं डाइस पर उनके साथ बैठना ही अपने आप में एक सम्मान की बात थी, और उनके साथ उनके सेम अवार्ड शेयर करना वाज़न मतलब एक सपने जैसा था। वाज सो हैप्पी दैट डे। और वो था कि मेरी स्कूल की प्रिंसिपल, उनको वो अवार्ड मिला था ओके और मुझे वो अवार्ड मिला था, तो आप सोचिए कि मेरे लिए तो वो तो बहुत ज्यादा प्राउड का बात है। और 5 दिन पहले मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि जो मैं सोचती हूँ वो मेरे पास आता है, इसी का एग्जाम्पल मैं बार बार ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर ना जाने अनजाने नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए मैं हमारे हाँ व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी थॉट्स पर विशेष ध्यान दें। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, साइड करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए अपनी थॉट्स पर, क्योंकि आप अपना तुम्हारा फ्यूचर बहुत क्रिएट कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो अपनी थॉट्स के। उनके 5-7 दिन पहले ही मेरी दोस्तों से बात हुई, और हमारे 25 साल पूरे हुए थे उस स्कूल के, 10 पास किए हुए हमें, तो वी वांटेड टू रीयूनियन, एक प्रोग्राम करना था स्कूल में, और हमें पता नहीं था कि, हमें ऐसा पता चला अभी जो प्रिंसिपल हैं वो बड़ी डिसिप्लिन्ड है, मिलती नहीं है किसी से जल्दी से, उनसे अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल होता है, और 5 दिन बाद शी वॉज विद मी एंड शी हर सेल्फ गेव मी हर कार्ड कि जयश्री जब भी करने का मन हो आई एम देयर फॉर यू, यू कम टू मी। सो एवरीथिंग वॉज फाइन। देन माई फ्रेंड्स वर सेइंग, यार तेरे तो सच में वाइल बल्ले बल्ले हैं, तूने, हमने बात की और तू सच में, मैम ने खुद में चला के तुमको कार्ड दे दिया, ऐसे देख लो। सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। मुझे बहुत सम्मान फील हुआ जब मैं अपनी प्रिंसिपल के साथ उस डाइस पर बैठकर वो अवार्ड शेयर कर रही थी। दैट वॉज रियली डेफिनेटली वंडरफुल। मैम, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा यस प्राउड का बात है। मैम जी, वो बहुत, और जैसे एक आपने मेंशन, एक अवार्ड, एक मोमेंट था जब मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली को बहुत प्राउड हुआ था। इफ यू अलाउ आई वॉन्टेड टू शेयर दैट, आई वॉन्ट टू शेयर दैट। हमारे ना जैन समाज में एक जैन सकल संघ करके ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे जैन के जितने सेक्शन सबके, वो जलगांव में है महाराष्ट्र में। वहां से जब मुझे महावीर जयंती के दिन, महावीर जयंती के दिन एज अ मेन स्पीकर इनवाइट मिला था, मेरे लिए कैजुअल था, ऑर्गेनाइजर का कॉल आया है, उन्होंने पूछा, मैंने शेड्यूल चेक किया और हाँ कर दी। 2 दिन के अंदर सारा प्रोग्राम फिक्स हो गया, टिकट्स बन गए, उन्होंने टिकट्स भेज दी, उन्होंने रहने का सारा डिटेल्स भेज दिया, सब कुछ हो गया, मैं करकर भी आ गई, मैं करकर भी आ गई। आने के बाद जो फोन का सिलसिला चालू हुआ, तब मुझे समझ आया कि आई वॉज द फर्स्ट स्पीकर, मैंने हमारे 13पन समाज की, आई वॉज द फर्स्ट स्पीकर हु वॉज इन्वाइटेड ओवर देयर। 5,000 लोगों की गैदरिंग में 13पन समाज की पहली स्पीकर थी जिसे वहां पर उस मंच पर इनवाइट किया गया था इतने सालों में, एंड दैट टू यंगेस्ट वन। सो उस वक्त लोगों ने मुझे यस, वो उनके लिए, उन्होंने बहुत, उनको प्राउड, मेरे सास ससुर और सबको बहुत प्राउड फील हुआ था। मुझे तो यकीन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, कि क्यों फोन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं तो हमेशा ही जाते रहती हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बट देन लेटर ऑन आई केम टू नो अबाउट ऑल दीज इंसिडेंट एंड आई अंडरस्टूड कि हुआ क्या था एक्चुअली। सो तो आप फर्स्ट थी, ऊपर से यू नो यू वर द यंगेस्ट, या सो दैट रियली अपने समाज मार्क्स। से हाँ पहली स्पीकर को उन्होंने बुलाया था, मैंने हमारे समाज से मैं पहली स्पीकर थी जो उस स्टेज को महावीर जयंती के दिन मेन इन्होंने स्पीकर की तरह रिप्रेजेंट कर रही थी। सो पूरे समाज के लिए था कि सबने मुझे, हमारे समाज ने भी सम्मानित किया उसके लिए, कि प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल ऑफ अस। हाँ सो दैट वाज द थिंग। बाकी मैम जैसे आपने मेंशन हाँ, क्या मैम बाकी मैं ऐसा सोचती हूँ कि जी, एक 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 इंसिडेंट, आप एक कुछ आप करते हो उसकी अचीवमेंट आपको मिलती है, सेलिब्रेट दैट एंड फॉरगेट दैट। अगर अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो सेलिब्रेट करो, अगर नहीं हुआ है तो सीख लो और आगे बढ़ो, उसको जीवन भर बिल्कुल। कैरी नहीं हाँ करने का, उसको लाइफ टाइम कैरी नहीं करने ट्रू का। मैम। दिस इज व्हाट आई फील। मैम जैसे हम जानते हैं यू आर अ पर्सनालिटी ट्रेनर, आप मतलब डेवलप करती है, आप गाइड करती है यंग जनरेशन को जी टू नो डेवलप देयर पर्सनालिटीज। सो व्हाई डोंट यू गिव एनी टिप फॉर नो
पर्सनल डेवलपमेंट टू आवर ऑडियंस, यस कोई भी एक टिप दैट यू वांट टू शेयर? डेफिनेटली अक्सर ना मुझे जो क्वेश्चन आता है, पर्सनैलिटी मीन्स हमारी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, हम अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, हम अच्छी तरह से बात करते हैं, मैनर्स है, तो हमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है. बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट योर फिजिकल अपियरेंस ओनली, इट इज अबाउट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. पर्सनैलिटी में ये चारों चीजें आती है. और जैसा कि आपने कहा अभी कि आप मुझसे रिफ्लेक्ट हो रहे हो, आप मेरी एनर्जी से आप तक रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कैसे हो रही है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, राइट? व्हेन यू गो समवेयर, तो जैसे आपकी ड्रेस, आप कैसी ड्रेस कर रहे हो, आपका आउटर प्रेजेंस इज जस्ट अ गेट, वो आपको एंट्रेंस दिलाता है कि ऑडियंस मुझे सुनेगी. लेकिन बाद में क्या, बाद में तो आपका नॉलेज, बाद में आपका नॉलेज है ना. मैं एक स्टेज पे जाती हूँ तो सबसे पहले जब मैं खड़ी होके स्टेज के डाइस तक जाती हूँ तो वो मेरा एक एंट्रेंस होता है ऑडियंस के साथ. द वे आई एम ड्रेसिंग अप, कैसे मैं चल रही हूँ, उसको देखकर लोग जज कर लेते हैं कि मुझे इनको सुनना है कि नहीं सुनना है, देखना है कि नहीं, थोड़ा जजमेंट वहां हो जाता है. सो दैट इज फिजिकल, राइट? फिर सेकेंड आता है मेरा नॉलेज. अगर नॉलेज नहीं है, ड्रेसिंग बहुत अच्छा है तो क्या काम का, लोग 5 मिनट सुनेंगे और हॉल छोड़ के भाग जाएंगे, राइट? सो मेंटल 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 पर्सनैलिटी इज दैट कि योर नॉलेज मस्ट बी गुड, योर एक्सपीरियंस या आपकी लर्निंग स्किल्स सब अच्छी होनी थी चाहिए. नाउ द थर्ड इट कम्स इज इमोशनल. आप मुझे सुन रहे हो, मैं किताबी बातें पढ़ रही हूँ, मैं जो कुछ बोल रही हूँ ना, किताब देख देख के या एक पेज देख के जो मेरे लिख के लाई हूँ और वो देख देख के बोल रही हूँ, यू विल नॉट बी कनेक्टेड, राइट? आपको कनेक्ट ही नहीं होगा. बट द मोमेंट आई एम लुकिंग इन टू योर आईज, मैं आपसे आपके तरीके की बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ जो आपके सीधे दिल तक जा रही है, आप समझ पा रहे हो उनको, तब ऑडियंस कनेक्ट होती है. दैट इज दैट मीन्स वॉट कि इमोशनल टच मस्ट बी देयर, मतलब यू मस्ट बी ऑनेस्ट. आप जो सोच रहे हो, आपकी आपकी सोच और आपके शब्द हमेशा मैनेज एक जैसे होने चाहिए. मतलब मन में तो चल रहा है कि सिगरेट तो नहीं, नहीं हम ऊपर से तो बोल रहे हैं कि, जैसे एक बार ना मेरे एक दोस्त ने बोला था कि एक है ना नेता थे, वो आए थे स्टेज पर, उनको बोला गया था, बोलना है नशा मुक्ति पर, राइट? इट्स अ रियल इंसिडेंट. हाँ, उनको बोला गया था नशा मुक्ति पर बोलना, और वो खुद ड्रिंक होके आए थे. बोले यार दो पैक दे, नहीं तो बोलूंगा कैसे. तो ये वाली सिचुएशन ये वाली सिचुएशन होने से यू कैनॉट रीच टू द ऑडियंस. मतलब कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, देन ओनली आपकी एनर्जी वहां तक जाती है. एंड द फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल, एज आई टोल्ड यू ना, स्पिरिचुअल इज वॉट, वेन यू आर नॉट डूइंग एनी अनएथिकल थिंग्स. आप जब ऑनेस्टी की, अपनी आप में एक पावर होती है, अपने आप में, आपके शब्दों में अपने आप वजन आएगा. आप, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करती हूँ, क्यों लोग मुझे कहते हैं क्यों, मैंने कहा मुझे लोगों के दिमाग तक पहुंचना, उनको मेरी बात समझ आनी चाहिए. अपना नॉलेज एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज दिखाना नहीं है कि मुझे इतने शब्द आते हैं, मुझे, मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ. आई एम नॉट अ स्पीकर, आई एम अ ट्रेनर, आई वॉन्ट चेंज इन देयर लाइफ. सो आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको रहना है, और अक्सर यंग जनरेशन या कई लोग मुझे पूछते हैं कि धर्म ध्यान करती हो इतना, मैं खुद इस पर विश्वास करती हूँ कि अगर आपका जो भी धर्म है, डेली आधे घंटा एक घंटा, चाहे आप मेडिटेशन दें, चाहे आप अपने भजन के साथ करें, चाहे आप अपनी कोई भी धार्मिक एक्टिविटी जिसमें आपको यकीन है, अगर आप अपना वो एक घंटा देते हैं तो आप अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि लाइफ की सिचुएशन कैसी भी आओ, यू आर रेडी टू हैंडल दैट. दैट गिव्स पावर, स्पिरिचुअल. तो ये चारों जब कंबाइन होते हैं ना, तब आप एक पर्सनैलिटी बनते हैं. और चारों में मैंने आपको टिप्स भी दे दिए कि कैसे हर दिन आपको अपने आप को इन चारों पर काम करना है. और स्पिरिचुअल हेल्थ, अक्सर पेरेंट्स ये चीज लैक करते हैं कि वो अपने बच्चे को ना अच्छी से अच्छी क्लासेस में ज्वाइन कराते हैं शुरू से, बचपन से ना, मेरा बेटा हर तरह से डांस में भी अच्छा हो, इसमें भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स भी करे, और करना भी चाहिए. लेकिन एक बहुत बड़ी एरिया आजकल हम लैक करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी, वो भी बचपन से देनी चाहिए कि हर रोज मैं, मेरा बच्चा एक स्पिरिचुअलिटी कुछ सीखे. बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गीता की अध्याय पढ़ रहे, रामायण पढ़ रहे, या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे, वो उनको आगे जाकर बहुत स्ट्रांग बनाता है, लाइफ को जीने की ताकत देता है. वरना आपने इतने एग्जाम्पल लाइफ में देखे हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बड़ा बड़ा काम करते पर घर की छोटी सी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते,
ऐसा तभी होता है जब हम मेंटली स्ट्रांग नहीं, तो वो थेरेपी स्पिरिचुअल आपको मेंटल पीस देता है। राइट स्पिरिचुअलिटी आपको मेंटल पीस देता है, आपको एडवर्सिटी से लड़ने की हिम्मत देता है, दैट दैट इज व्हाट, तो दैट मस्ट बी देयर। मैम आप इतनी बड़ी थेरेपिस्ट हैं, अभी भी आपसे जब हम बात करें तो आई कैन फील कि आप कैसे लोगों को नो उनके इश्यूज से डील करने में हेल्प करती होंगी। तो यू नो कोई एडवाइस या कोई मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे नो, और कैसे अपने आप को डील करें नो, जो भी इश्यूज होते हैं नो, जनरल कोई एडवाइस दैट यू वांट टू गिव। जैसा मैंने आपको बीच में भी बोला था, पहले भी बोला था, फोकस ऑन योर थॉट्स नॉट ऑन, आप अपने फोकस अपनी लाइफ में मेरे पास जो है उस पर फोकस करेंगे, अगर हम जो नहीं है उसको छोड़कर जो है उस पर फोकस करेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और आपको एक बात बताऊं, 80% आज की जन आजकल मैं हम जो देखते हैं कि 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। व्हाट इज साइकोसोमेटिक? इमोशनली, जो इमोशंस की नेगेटिविटी के कारण जो हमारी बीमारियां शरीर में आती हैं। और हर एक इमोशन, जैसे गुस्सा है, जैसे डर है, आपका गुस्सा, डर और लालच, भय, क्रोध, नाराजगी, इन सब का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग असर होता है। तो जैसे आप बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो आपको ये क्या बोलते हैं इसको, अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें तो 80% तो हमारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाएगी। बी हैप्पी, लोगों के साथ अच्छे से रहो, अपने इमोशंस अच्छे रखो, लोगों के लिए इंटेंशन अच्छी रखो, कुछ नहीं, लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। जीवन में तो दुख है ही नहीं। शुभ पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, बददुआएं नहीं देते ना, बच्चे चाहे कितनी भी बदमाशी करे, तो वो है ना, वो सबका पेरेंट है, सबका पिता है ना, तो वो कैसे अपने बच्चों को बद्दुआ देगा। हमारे साथ जो एडवर्सिटी आती है, परिस्थितियां आती है, वो तो उसमें हमें हेल्प करने की कोशिश करता है। तुमने जो किया था पिछले कभी का कोई जन्म में, उसका फल तुम्हें मिल रहा है, मेरा कोई हाथ नहीं है। वो कहता है मैं तो तुमको अभी भी गाइड करने के लिए रेडी हूँ, साथ दे रहा हूँ, पर तुम मेरे पास आओ तो, मेरा सुनो तो, मेरे साथ बैठो तो। हम बैठते ही नहीं, हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती है, ट्रू मैम। सो वी नीड टू डू दैट ना, हाँ एंड लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। आई से कहीं कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, फाइन, गुड, ऑल इज वेल। यू थ्री इडियट का दैट डायलॉग, ऑल इज ऑल वेल, यस ऑल इज वेल, इज इट्स वेल। ऑल इज वेल, सो दैट्स ऑल मैंने फॉर। सबसे पहले भी डिस्कस किया था ये चीज हाँ जी, कि जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, जो वही रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम लोग हैप्पी रहेंगे तो वही रिफ्लेक्ट होगा एंड हमारे सिचुएशंस भी वैसे ही फिर क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट तो हो हमें जाए, हैप्पी बिल्कुल। खुद रहना चाहिए एंड वही रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ट्रू और सिचुएशन सच में आपके हिसाब से होती है। आप यकीन करो, मैं जोधपुर पहली बार गई थी वर्कशॉप के लिए ना, जोधपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, समर कैंप के लिए गई थी, एंड मुझे माइग्रेन है और मुझे गर्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं सोच रही थी यार क्या करूं, मैं जाना तो है क्योंकि आई एम पैशनेट, मुझे ये समर कैंप्स और ये बच्चों के कैंप्स में इतना ज्यादा पैशन है कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती, ये छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मैंने कहा हो जाएगा, ठीक है, देख रहे, मैंने कहा हाँ कर दिया और चली गई वहां पर। आप यकीन करेंगे, जैसे ही मैं उस धरती पर पहुंचती हूँ ना, बाय ट्रेन से उतरी, फ्लाइट से उतरी, जैसे ही उतरती हूँ मैं सीधा उस धरती को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ थैंक यू, और मुझ पर कृपा रखना, पांचों तत्व मुझ पर कृपा रखना। और आप यकीन करेंगे, मैं वहां 3 दिन थी, 3 दिन मेरी क्लासेस थी, और तीनों दिन वहां बारिश थी, अच्छा मौसम था, बिल्कुल गर्मी नहीं थी। तो और अगर होती भी तो आई वॉज रेडी, ओके फाइन, ठीक है, बट हो थिंग्स विल, विल डील विद इट। यस, थिंग्स विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू, अपने आप चीजें चेंज होती है चीजें। मैंने तो कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में, नहीं मैम, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, अगर बट आपको आपके यकीन वही होना चाहिए रिफ्लेक्ट ना। होता है। लोग कहते कि हम भी हाँ ये बोलते, आप आपके सही। बोलने के बाद हम बोलते हैं ऐसा कि ना सब कुछ सही हो रहा है। मैंने कहा आप बोलते हो, आप विश्वास नहीं करती है, जिस दिन विश्वास के साथ बोलोगे उस दिन आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू होगा। सो फेथ होना ट्रू बहुत मैम। जरूरी है, फेथ होना बहुत जरूरी हाँ वो बिलीव करना कि हाँ एक्चुअली अगर हम बोलेंगे तो वो होगा, वो बहुत है, इम्पोर्टेंट है। होगा, कभी वो जरूर होगा। होगा, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है। इवन मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा हर कोई बोलते हैं ना आपका लास्ट बेस्ट वर्कशॉप कौन था, पिछला था, इस बार और अच्छा होगा, ये बेस्ट था। और सच में वैसा होता है, सच में वैसा होता है। मैं जब खुद को एनालाइज करती हूँ, पिछले वर्कशॉप में इतनी गलतियां की थी, इस बार कम हुई है, इस बार और कम हुई है,
सो आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, राइट? हर दिन हम इम्प्रूव करते हैं, बशर्ते कि हम लर्निंग मोड में हैं, बशर्ते कि हम थैंकफुल मोड हाँ में हैं। हम लोगों के अंदर क्या ढूंढते वो हैं, ये हम पर मतलब है। हाँ वो खुद का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स लाइफ दैट वेरी मैटर्स। हर चीज में दोनों चीज होती है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। व्हाट यू सर्च फॉर, व्हाट यू आर ओहो सर्चिंग फॉर, ओहो दैट दैट मैटर्स। काउंट्स। हाँ यस, इसीलिए मैं बट अक्सर ये बात इन भी कहती लास्ट मैसेज हाँ लास्ट में मैं ये कहती हूँ इन लास्ट कि हाँ जिंदगी बड़ी हसीन है, इससे प्यार करके तो देखो। जिंदगी बड़ी हसीन है, इससे प्यार करके तो देखो। अगर रात है अभी जिंदगी में, तो सुबह तक इंतजार करके तो देखो। वो पल भी आएगा जिसका इंतजार हाँ था तुमको, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार था तुमको। रब पर रखो भरोसा और खुद पर एतबार करके तो देखो। वाह मैम वाह, आपकी आपकी आपने दो तीन शायरी मारी सारी एक पे एक थी। शायरी नहीं, ये सच्चाइयां हैं जीवन की। हाँ शायरी के फॉर्म में जरूर थी, लेकिन ये सच्चाइयां हैं जीवन की। और ये मेरी एक कविता है, जिंदगी बड़ी हसीन है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है मेरी कई कविताएं लिखी हुई। उसमें उसका ये पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ। और इसी पैराग्राफ ने मुझे ये कविता लिखने पर मोटिवेट किया था, और मैंने पूरी कविता लिख दी थी इसके ऊपर कि जिंदगी बड़ी हसीन है। और सच में जिंदगी हसीन है, आप जी कर हसीन देखो है। हाँ मैम जी। ये मैम आपका स्माइल इतना पॉजिटिव है ना, आई कैन फील द पॉजिटिविटी यू नो। बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके थॉट्स के बारे में जान के। इट रियली फेल्ट वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू प्लेटफॉर्म मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच साक्षी, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी इन योर प्लेटफॉर्म, एंड आई होप थिंग्स विल चेंज। आप सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। यू ऑल आर स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। और उसी के साथ आई विल से थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी। बाय मैम, बाय फॉर नाउ। आई रियली होप दैट वी डू स्टे कनेक्टेड बिकॉज आप इतनी ज्यादा पॉजिटिव पर्सन है एंड यू नो वी शुड हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड अस। सो Yes, आई रियली होप दैट वी डू definitely. स्टे कनेक्टेड। Anytime, anytime. I'm just a call away from you. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक Yeah. यू, Bye. बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन को नहीं देखा तो प्लीज उन्हें भी जाके देखिए। हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपने प्लेटफॉर्म में बुला के लेके आएंगे, उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में सुनेंगे और थोड़ी पॉजिटिविटी लेंगे। तो प्लीज गाइस हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप हम सपोर्ट करेंगे तभी वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट एंड दैट इज टू स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। तो प्लीज गाइस हमें सपोर्ट कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, बिकॉज ऐसे ही हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट को इनवाइट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन बाय।